वो तो अभी आप नहीं अभी अभी हाँ, आप अभी भोजन कर रहे हैं। अभी ये भोज चल रहा है, अभी हमारी पहली पंगत समाप्त नहीं हुई है, दूसरी तीसरी पंगत होनी है। उसमें क्या ये उचित समय आपको लगता है, आप ही बता दीजिए। तो कब का समय दे रहा है? जब वो चाहे वो संवाद कायम करें, वो धर्म संसद लगा लें। बहुत सारे जगह हैं, सनातन में कभी भी किसी को इस तरह से अपमानित नहीं किया गया है कभी भी। क्या राम के चरित्र को मानते हैं तो राम को ये जानते हैं क्या? राम ने रावण को भी इस तरह से नहीं आकर डिस्टर्ब किया था। ये डिस्टर्ब राम को अपनाइए, राम के चरित्र को अपनाइए, तब सनातन की बात करिए। ये क्या अपना रहे हैं? ये तो अब मैं उस पर बहुत नहीं बोल सकता, लेकिन इनका नजरिया और इनका कारनामा है वो कहीं से सतन के अनुरूप नहीं। उनका आरोप है कि वो अंदर गए, उनके साथ जो है नहीं अंदर अंदर तो भोज खाने के लिए जाना था ना, कि अंदर आज हंगामा करने के लिए जाना था? आप यही आप ही बता दीजिए। अंदर भोज खाने के लिए तो आमंत्रण है, सबका स्वागत है, इसके लिए हम लोगों ने बाजाप्ता सोशल मीडिया से लेकर हर जगह तक किया है। आप भोज खाने आ जाइए ना, कल फिर संवाद कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इधर आ जाइए, आपका इधर आ जाइए। पिछले दिनों जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने शब्द का चयन किया था, गलत उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने माफी मांग चुके हैं। उन्होंने विवाद तो कुछ है नहीं, हम लोग भोज दिए हैं, हमारे मांझी जी ने भोज दिया है, भोज बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है। सारे ब्राह्मण और दलित लोग आकर करके भोज खा रहे हैं और एकता का परिचय, बढ़िया एकता का परिचय क्या होगा? कि बाहर उनके साथ सही नहीं किया गया और अंदर जो आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऐसा क्या कहेंगे? देखिए हमारे पैर में अभी भी जूता नहीं है, सिर्फ इसलिए कि सभ्यता और संस्कृति के साथ हमने भोज कराया। जो व्यक्ति जूता पहन के भोज नहीं करा रहा है, वह व्यक्ति किसी और के साथ मिसबिहेव क्यों करेगा? क्या कहेंगे दानिश जी, पूरा मामला तरीके से पकड़ता जा रहा है, ये कहीं से कोई अब मामला तो नहीं? पूरा मामले का पटाक्षेप हो गया। कुछ लोग चाह रहे थे कि आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी के बहाने हम अपनी सियासत करेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि उनके जीते जी समाज एकता के साथ ही रहेगा, टूट नहीं सकता है। और आज इस महाभोज ने साबित कर दिया है कि बिहार के ब्राह्मण और दलित